गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में बीते दिनों एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। अब गाजिया पुलिस ने खुलासा करते हुए उसके दोस्त को ही गिरफ्तार किया है और हत्या के पीछे 200 रुपए का लेन देन सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि आरोपी ने पीड़ित को 200 जो मृतक है उसको 200 रुपए देने थे। जब उसने 200 रुपए मांगे तो मृतक ने आरोपी को थप्पड़ जड़ दिया और इसी का बदला लेने के लिए उसने मृतक को मौत के घाट उतार दिया। प्रवीण कुमार नामक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, गला देकर हत्या की गई थी। आज सुबह मुखबिरों की सूचना पर इस संबंध में करण वाल्मीकि को गिरफ्तार किया गया भोपरा के पास। इसके द्वारा बताया गया कि उसको थप्पड़ भी मारे, जिसके कारण गुस्सा होकर करण वाल्मीकि ने चाकू अपने घर में ले जाकर गला देकर प्रवीण कुमार की हत्या कर दी।